रिलायंस जियो का आईपीओ कुछ ही पल दूर है, लेकिन कोई भी एक आर्ग्यूमेंट रेज कर सकता है कि जियो में ऐसी क्या खास बात है जो एयरटेल में नहीं है। जियो वो वैल्यू क्रिएशन और इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी को यूज करता है जो एप्पल गूगल जैसे टेक जायंट्स यूज करते हैं मार्केट को डोमिनेट करने के लिए। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क को होल्ड करता है। रूरल इंडिया में करीब 58% लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मतलब अभी 40% मार्केट कैप्चर करना बाकी है और 2026 तक इंडिया का 5G मार्केट 350 मिलियन नए सब्सक्राइबर को लेकर आएगा। टोटल सब्सक्राइबर 1200 से 1400 मिलियन हो जाएंगे। 2016 तक ब्रॉडबैंड यूजर 149.75 मिलियन थे और 2023 तक करीब 788.77 मिलियन हो जाएंगे, जिसकी ग्रोथ रेट है 13.32 CAGR। सिर्फ ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क नहीं, कई सारे मार्केट सेगमेंट्स ऐसे भी हैं जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल का लोगों को अंदाजा भी नहीं है। इसमें से एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि गैजेट्स होंगे जो हेल्थ केयर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में यूज किए जाएंगे। ये गैजेट्स और डिवाइसेस डेटा कंजम्पशन की डिमांड को और भी बढ़ाएंगे। जैसे ही इंडिया के ग्रोथ की वजह से पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, बढ़ती इनकम के साथ कस्टमर्स और भी ज्यादा डेटा परचेस करेंगे एडिशनल सर्विसेज के साथ। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से लोगों को ना चाहते हुए भी स्मार्टफोन पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे नेट बैंकिंग। आज हमें OTP की जरूरत कई सारे चीजों में होती है, ऊपर से UPI और नेट बैंकिंग फास्ट ट्रांसफर करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है, जिसकी वजह से लोग कन्वेंशनल बैंकिंग से डिजिटल बैंकिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसी कई सारी एक्टिविटीज की वजह से डेटा कंजम्पशन और भी बढ़ेगा। ऊपर से टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टैंडर्डाइज स्टेप्स लिए हैं, जैसे 100% FDI, जो इस सेक्टर को और भी बूस्ट करेगा। अब डिस्कस करते हैं रिलायंस जियो की स्ट्रेटेजी को, जो इसको औरों से अलग बनाते हैं। जियो यूज करता है वैल्यू क्रिएशन मॉडल, यानी जो कस्टमर को जरूरत होती है उससे भी ज्यादा फीचर्स और सर्विसेज उनको देता है। ट्रेडिशनली लोग सेलफोन सिर्फ टॉक टाइम और बेसिक एप्स के लिए यूज किया करते थे, लेकिन आज जियो उनको TV, जियो सिनेमा, VPN, जियो पे जैसे कई सारे सर्विसेज उनको मोबाइल डेटा के साथ फ्री में दे रहा है। किसी को मैच देखने के लिए ऑनलाइन TV चाहिए तो किसी को गेम खेलने के लिए VPN। ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बंडल करके एक जगह पे लेके आया है रिलायंस जियो, जो इनको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। सिर्फ यही नहीं, एक इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है जिससे लोग जियो को छोड़कर और प्लेटफॉर्म चूज ना करें। सपोज एक गेमर है जिसको गेम खेलने के लिए VPN की जरूरत है और वो अपने कुछ वीडियोस को क्लाउड पे स्टोर करना चाहता है, म्यूजिक सुनना चाहता है, ओकेजनली TV और वेब सीरीज भी देखना चाहता है। अगर ये सारी सर्विसेज वो अलग अलग कंपनी से और प्लेटफॉर्म से लेगा तो उसको शायद सालाना 3,000 से 5,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी को जियो सेल्यूलर डेटा के साथ वैल्यू क्रिएशन मॉडल के जरिए बहुत कुछ दे रहा है। कल को जब इंडिया की पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी तो इसी चीज के लिए ज्यादा प्राइस भी पे करेंगे कस्टमर्स। तो रिलायंस जियो कस्टमर्स के लिए तो रेडी है ही, लेकिन उन्होंने बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जैसे क्लाउड सर्विसेज, डेटाबेस, सिक्योरिटी जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने खासम खास बिजनेसेस के लिए शुरू किए हैं। आप जब इन प्रोडक्ट्स पे अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, क्लाउड पे डेटा अपलोड करके, अपनी प्लेलिस्ट बना के, आप एक्सक्लूसिव कंटेंट को यूज करोगे तो इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो आपको सेल्यूलर ब्रॉडबैंड एप्स और सर्विसेज को कंबाइन करके इकोसिस्टम ऑफर किया जा रहा है जिसकी ओवरऑल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। कोई और भी कंपेटिटर आपको इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं दे रहा। दोनों वायरलेस और वायरलाइन सब्सक्राइबर की बात करें तो मेजोरिटी मार्केट शेयर होल्ड करता है जियो, जो कि कंसिस्टेंटली अपने सब्सक्राइबर पिछले 3 सालों से बढ़ा रहा है। जियो पूरी दुनिया का 10% मोबाइल ट्रैफिक होल्ड करता है, जबकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मार्केट शेयर की बात करें तो जियो वन साइडेडली डोमिनेट करता है। एक एवरेज घर करीब 300 GB यूज करता है हर महीने। जियो फाइबर करीब 50 लाख से भी ज्यादा घरों में इंस्टॉल्ड है। ओवरऑल डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स और वैल्यू के हिसाब से जियो के आगे कोई कंपेटिटर मैच नहीं करता। करंट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक कई सारे डिसीजन लिए हैं जियो ने, जैसे जियो ट्रू 5G वाईफाई, जो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई में लॉन्च किया गया है, जो पॉपुलर डेस्टिनेशन पे 5G वाईफाई प्रोवाइड करेगा। 5G नेटवर्क जो कि 1 GBPS तक की स्पीड देगा, उसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली NCR रीजन और पुणे में। 25 नवंबर 2022 में गुजरात एक पहला स्टेट बनता है जिसमें 100% 5G शुरू किया गया है 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। कंपनी के स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो 2019 से स्टेडीली इंक्रीज हो रहे हैं।
एक्सपेंसेस भी इंक्रीज पे है लेकिन उसकी रेट रेवेन्यू से बहुत ही कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में था 5,562 करोड़, 2020 में वो जंप करके आ जाता है 12,000 करोड़ पे, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। लास्ट ईयर 2021 में भी वो 20% इंक्रीज हुआ था। किसी भी बिजनेस के लिए कैश उसका लाइफ ब्लड होता है और वो कैश एथिकल ऑपरेशंस और बिजनेस एक्टिविटीज से आना चाहिए। जियो का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों से। बोरोइंग्स की बात करें तो 2020 से 21 में तो लायबिलिटीज स्टेबल थी, लेकिन 2022 में एक सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है जो कि अलार्मिंग है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबानी जी को पूछा गया कि जियो का IPO कब आ रहा है, तो वो बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके हम टाइमिंग और वैल्यूएशन को अपडेट करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि जियो और रिलायंस रिटेल दोनों को मिलाकर 6.5 से 10 बिलियन डॉलर रेज करना चाहते हैं रिलायंस ग्रुप, और आखिर में वो कमेंट करते हैं कि इस पे मैं नेक्स्ट ईयर अपडेट करूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सिंपल एनालिसिस। प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए।